हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्क्राइब करूंगी द लेजेंड ऑफ अ ब्लू सी के एपिसोड सेकंड को। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस चैनल पर आने वाले नए वीडियोज़ का अपडेट आपको मिलता रहे। एपिसोड सेकंड की शुरुआत पास्ट से की जाती है, जहां पर दिखाया जाता है कि दामरेंग कुछ बच्चों के साथ रात को लाइट बैलून्स उड़ाता रहता है। तभी एक बैलून गलत डायरेक्शन में चला जाता है तो दामरेंग उसके पीछे जाता है तो वह उसे पहाड़ी पर पड़ा हुआ दिखाई देता है। जब दामरेंग उस बैलून के पास जाता है तो उसे महसूस होता है कि वहाँ पर कोई और है, तो वो कहता है, कौन है, जो भी है बाहर आओ। तो वहाँ से जलपरी बाहर आती है। वह जलपरी वही होती है जिसे दामरेंग उस सरदार से बचाता है और वापस समुद्र में छोड़ देता है। दामरेंग कहता है, डरो मत, बाहर आओ। तो जलपरी कहती है, मुझसे ज़्यादा डरे हुए तो तुम लग रहे हो। जलपरी की बात सुनकर दामरेंग हैरान हो जाता है और वह कहता है कि तुम बोल सकती हो। तो जलपरी कहती है, ऐसा कोई काम नहीं है जो इंसान कर सके और जलपरी नहीं। इस पर दामरेंग उससे कहता है, तो फिर तुम उस दिन क्यों नहीं बोली थी। तो जलपरी कहती है, मैं बोली थी लेकिन किसी ने सुना नहीं। जलपरी बताती है कि हम जलपरियों में ऐसी पावर होती है कि हम बिना बोले ही एक दूसरे के माइंड को पढ़ सके, इसलिए जलपरी माइंड को पढ़ती है, बातें नहीं करती। तभी पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दामरेंग पहली बार जलपरी को देखता था। तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि जलपरी उससे कहती है कि मुझे बचा लो। वहीं दूसरी तरफ सरदार को उस बूढ़े आदमी से बात करते हुए दिखाया जाता है, जहां पर वह बूढ़ा आदमी कहता है, यह जलपरी और इंसान का ऐसा रिश्ता जुड़ा है कि यह आगे किस्मत में ज़रूर मिलेंगे। इस पर सरदार खुश हो जाता है और कहता है, अगर वह टाउन हेड पर नज़र रखे तो वह उस जलपरी को दोबारा से पकड़ सकता है। दामरेंग जलपरी से पूछता है, तो क्या इंसान भी जलपरी का माइंड पढ़ सकते हैं। इस पर जलपरी बताती है, हाँ, बहुत साल पहले एक लड़के ने एक जलपरी से प्यार किया था तो वह लड़का उस जलपरी की माइंड को पढ़ सकता था। फिर दामरेंग पूछता है कि आगे क्या हुआ, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लोगों के आने की आहट होती है तो जलपरी कहती है, अब मुझे जाना होगा। दामरेंग से पूछता है, क्या हम फिर दोबारा मिलेंगे। इस पर दामरेंग से जलपरी कहती है, जब तुम ऐसे लाइट बैलून्स आसमान में छोड़ोगे और यह मुझे समुद्र में दिखाई देंगे तो मैं समझ जाऊंगी कि हम दोनों को मिलना है। और वह जलपरी चली जाती है। फिर आगे दिखाया जाता है कि जलपरी को समुद्र की सतह पर एक रोशनी दिखाई देती है तो वह समुद्र में ऊपर आ जाती है। तो वह देखती है कि आसमान में बहुत सारे लाइट बैलून्स होते हैं और उसे दिखाई देता है कि एक नाव में दामरेंग उसकी तरफ ही आ रहा है। इसी तरह इन दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगती है। कहानी में आगे प्रेजेंट में दिखाया जाता है जुंजे जलपरी को मॉल वापस जाता है लेने के लिए। जुंजे वहां जलपरी से कहता है कि मैं वापस इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि कोई बिना बाय बोले जाए, तो मैं यहां पर तुम्हें बाय बोलने आया हूं। लेकिन जुंजे देखता है कि बारिश के कारण जलपरी को सर्दी लग रही होती है तो वह उसे अपना जैकेट दे देता है। फिर उन दोनों को दिखाया जाता है कि वो कार में जाते रहते हैं तो जुंजे अपनी कार को एक कॉफ़ी शॉप पर रोकता है और वहाँ से कॉफ़ी लेकर आता है और जलपरी को दे देता है। जब जलपरी कॉफ़ी पीती रहती है तो वह उससे पूछता है कि तुम बताओ मुझे अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, किसी रिलेटिव के बारे में, या फिर तुम कहाँ रहती हो, तुम्हारा घर कहाँ पर है, कोई कॉन्टैक्ट नंबर, यह सब उससे वो पूछता रहता है। लेकिन जलपरी कोई जवाब नहीं देती और वो अपनी कॉफ़ी पीती रहती है। जुंजे जलपरी को अपने साथ अपने होटल में ले जाता है और अपने कमरे का दरवाज़ा खोलता है। जब वह कमरे में एंट्री करता है तो वो होटल कार्ड को लगाता है और उससे कमरे की सारी लाइट्स ऑन हो जाती है। जलपरी यह देखकर एकदम हैरान हो जाती है कि एक कार्ड से सारी लाइट्स कैसे ऑन हो सकती है। जुंजे उसे अपनी एक शर्ट देता है और कहता है कि मैं नहाने जा रहा हूँ। जुंजे के जाने के बाद जलपरी उस होटल कार्ड से खेलने लग जाती है जिसकी वजह से रूम की लाइट बार बार ऑन और ऑफ होती रहती है। वहीं दूसरी तरफ जुंजे नहाता रहता है और वह परेशान हो जाता है कि बार बार लाइट ऑन ऑफ कैसे हो रही है। तो वह बाहर आता है और देखता है कि जलपरी उसके साथ खेल रही है। जब जुंजे उस कार्ड को लेने के लिए जलपरी के नज़दीक जाता है तो जलपरी शर्माने लग जाती है। तो जुंजे कहता है, क्या तुम शर्मा रही हो, देखो ऐसा मत करो और अजीब तरह से ख्याल तो अपने दिल में बिल्कुल मत लाना, क्योंकि मेरा जो टाइप है वो होशियार औरतों का है, तुमसे तो बिल्कुल अपोजिट, तो प्लीज़ मुझे ऐसी हवस की नज़रों से मत देखो। लेकिन अगर तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है तो मैं फिर से साफ साफ कहता हूँ, सुनो, मैं तुम्हें होटल में किसी गलत इरादे से नहीं लाया हूँ,
वो तो रात हो गई थी, ऊपर से बारिश हो रही थी और तुम्हारा एक स्क्रूल ढीला रहा है, इसलिए इंसानियत के नाते मैं तुम्हें होटल में लेके आ गया। तो मैंने इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद की है, वो बस आज रात के लिए। इससे ज़्यादा तुम मत सोचो, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह सब कुछ कहकर जुंजे वापस बाथरूम में चला जाता है और सोचता है इस लड़के के इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। लेकिन जब वह अपने आप को मिरर में देखता है तो कहता है हाँ क्यों नहीं होंगे, मैं इतना हैंडसम जो हूँ। आगे दिखाया जाता है कि जुंजे का फ़ोन बजता है, जहाँ पर मम्मी आ जाती है और उसे अजीब तरीके से देखती रहती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है एक लड़की जो कि जुंजे को फ़ोन मिला रही होती है। उसकी भाभी उसके पास आती है कि क्या तुम उसी लड़के को फ़ोन मिला रही हो जो तुम्हारे साथ काइट में पढ़ता था और जो तुम्हें इग्नोर करता है। अपनी भाभी के तानों से परेशान होकर वो लड़की कहती है कि मैं जा रही हूँ और आज मुझे आने में देर हो जाएगी क्योंकि मुझे लैब में काम है, और वो वहाँ से चली जाती है। उस लड़की के जाने के बाद उसकी भाभी से उनके घर की मेड पूछती है क्या ये कैट्स में पढ़ती है, वहाँ पर मेरा बेटा भी पढ़ता था जब वो 10 साल का था। ये बात सुनकर उसकी भाभी कहती है कि क्या तुम किसी बड़ी बैकग्राउंड से बिलोंग करती हो जिसके बारे में मुझे नहीं पता। ये सब सुन के मेड वहाँ से चली जाती है। तभी भाभी का फ़ोन बजता है जिन पर उनकी एक फ्रेंड होती है और उसे बताती है कि जिनो को किसी ने ठग लिया है। आगे दिखाया जाता है कि जिनो और कोई नहीं वही बिजनेस वूमेन होती है जिसको हमारे हीरो यानी कि जिंजे ने ठगा था। वह बिजनेस वुमेन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और परेशान होती है क्योंकि उसके सारे में इंसल्ट हो चुकी है कि उसे कुछ लोगों ने ठग लिया है और उसके बेटे की केस की न्यूज़ भी बाहर लीक हो जाती है। तो वह अपने वर्कर्स से कहती है कि मुझे वो हो चाहिए जिसने मेरे साथ ठगी करी है, और ख़ास तौर पर जिसने वकील का रोल निभाया था, चाहे उसे ज़िंदा पकड़ो चाहे उसको मार के पकड़ो, लेकिन वो मुझे चाहिए। आगे दिखाया जाता है कि जुंजे लैपटॉप पर मूवी देखता रहता है। तभी पीछे से जलप्री आती है और एकदम से अजीब सा रिएक्शन देती है। यह देखकर जुंजे कहता है तुम क्या कर रही हो, तो जलप्री उससे लैपटॉप ले लेती है और उसे ऊपर नीचे घुमाकर देखती रहती है। तो जुंजे कहता है ये लो तुम ही देखो, मैं जा रहा हूँ सोने, और जुंजे सोने चला जाता है। जलपरी पूरी रात उस लैपटॉप पर मूवीज ड्रामास वगैरह देखती रहती है। सुबह जब जुंजे उठता है तो देखता है कि जलपरी लैपटॉप पर लगी हुई है, तो वह उससे कहता है पागल हो गई हो क्या, रात भर इसी को देख रही थी। तभी जुंजे का फ़ोन बजता है, जहाँ से उसका एक चोर दोस्त उसे बताता है कि जिसके साथ हमने फ्रॉड किया उसे हमारा पता चल गया है, ख़ास तौर पर तुम्हारा। तुम्हें वहाँ से जल्दी भागना होगा, नहीं तो तुम पकड़े जाओगे। जुंजे अपना सामान पैक करता है और वहाँ से जाने लगता है। जाने से पहले वो जलपरी से कहता है कि हमारा साथ यहीं तक था, अब तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। जुंजे वहाँ से चला जाता है। मम्मी इस बारे में सोच ही रही होती है कि तभी जुंजे वापस आता है और कमरे का गेट लगा लेता है, क्योंकि जो लोग उसका पीछा कर रहे थे वो उसके होटल में आ चुके होते हैं। तभी जुंजे एक फेक बॉम्ब तैयार करता है ताकि उसे यहाँ से भागने का टाइम मिल जाए, और वह पीछे के रास्ते से भाग जाता है। जब वह गुंडे कमरे में आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर टाइम बॉम्ब रखा है तो वो डर जाते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में उन गुंडों को पता चल जाता है कि ये टाइम बॉम्ब नहीं है, तो वह पीछे के दरवाजे को देखते हैं जहाँ से उन्हें पता चलता है कि जुंजे भाग चुका है। तो वह जुंजे का पीछा करने के लिए उसके पीछे भागते हैं। आगे दिखाया जाता है जुंजे और जलपरी भागते रहते हैं और उनके पीछे गुंडे भी लगे रहते हैं। भागते भागते जुंजे एक बाईसाइकिल लेता है और उस पर जलपरी को बिठाता है, जहाँ पर एक बहुत ही रोमांटिक सीन सा लगता है कि जलपरी जुंजे के पीछे बैठी हुई रहती है और उस मोमेंट को एंजॉय कर रही होती है। पीछे से उनके गुंडे भी लगे रहते हैं जो उनका पीछा कर रहे होते हैं। लेकिन आगे दिखाया जाता है कि गुंडे उन्हें दोनों तरफ से घेर लेते हैं, तो वहाँ पर कुछ फाइट सीन्स होते हैं जहाँ पर जुंजे सोचता है कि उसने उन गुंडों की पिटाई करी है, लेकिन हकीकत में पीछे से जलपरी उन गुंडों को पीटती रहती है। लेकिन तभी एक गुंडा आता है और गन दिखाता है जुंजे को। जुंजे ट्राई करता है अपना लाइट मैजिक, लेकिन वो वहाँ पर सफल नहीं होता, तो वो गुंडे जुंजे को ले जाते हैं और जलपरी वहीं पर रह जाती है। लेकिन जलपरी जुंजे का पीछा करती है, तो वह एक साइकिल पर होती है और जुंजे उन गुंडों के साथ कार में। गुंडे हैरान रह जाते हैं कि ये लड़की एक बाईसाइकिल को इतना तेज कैसे चला सकती है कि वह कार से भी फास्ट होती है। परी उस बाईसाइकिल को गुंडों की कार के आगे रोक देती है, जिससे उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से जुंजे उन गुंडों के कैद से आज़ाद हो जाता है और जलपरी के साथ भाग जाता है। लेकिन वह गुंडे उनका पीछा करते रहते हैं, तो जुंजे जलपरी को लेकर एक गार्डन में छुप जाता है। वहाँ पर भी कुछ फाइट सीन्स होते हैं जिनमें जलपरी उन गुंडों को मारती रहती है। वह दोनों
फिर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तो जलपरी के बालों में बहुत सारे पेड़ के पत्ते लग जाते हैं, जिन्हें प्यार से जुंजे हटाता है और वहाँ से बाइसाइकिल पर जलपरी को बिठाकर निकल जाता है। जुंजे और जलपरी गार्डन से निकल जाते हैं और साइकिल पे दिखाए जाते हैं। तभी वह मार्केट एरिया में पहुंच जाते हैं, जहां पर जलपरी को दिखाई देती है एक आइसक्रीम स्टॉल, जहां पर कुछ बच्चे आइसक्रीम खरीद रहे होते हैं। तो जलपरी जुंजे की साइकिल से उतर जाती है और उस आइसक्रीम स्टॉल पर पहुंच जाती है और वहां से आइसक्रीम ले लेती है। लेकिन वह पैसे नहीं देती तो दुकानदार उससे पैसे मांगता है। तभी वहाँ पर जुंजे आ जाता है और कहता है कि कितने पैसे हुए, मैं देता हूँ। जुंजे चेक करता है अपने पॉकेट में तो पैसे कम निकलते हैं। उनके पास कम पैसे होते हैं तो वह दुकानदार से कहता है, क्या हमें छोटी आइसक्रीम मिलेगी? इस पर दुकानदार कोई जवाब नहीं देता और अजीब सा मुँह बनाता है। तो जुंजे उसे जो पैसे होते हैं वो देकर जलपरी को अपने साथ ले जाता है। आगे दिखाया जाता है कि जलपरी एक जगह पर बैठकर आइसक्रीम खा रही होती है और वहीं पर जुंजे साइड में टेलीफोन पर बात कर रहा होता है अपने फ्रेंड से कि उसे यहाँ से निकलना है और उसे इसके लिए किसी की मदद चाहिए। तो उसका फ्रेंड किसी का एड्रेस बताता है कि तुम वहाँ पर जा सकते हो, वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा। जुंजे जलपरी के साथ एक चर्च पर पहुँच जाता है, जहाँ पर उसका एक फ्रेंड मिलता है जो कि काफ़ी सारे लोगों के साथ में होता है। वह सब उसे हेलो बोलते हैं, वेलकम करते हैं। तो जुंजे का फ्रेंड कहता है, यह कौन है? तो ये कहता है, ये मेरी वाइफ है, लेकिन एक एक्सीडेंट में इसकी मेमोरी लॉस हो गई है और यह बोल नहीं पा रही है और मैं इसकी आवाज़ सुनने के लिए तरस रहा हूँ। तभी एक सम से जलपरी सब लोगों से हेलो कहती है। ये सब देखकर जुंजे शॉक हो जाता है और उसे साइड में लेके जाता है और कहता है कि तुम बोल सकती हो, तुमने मुझे बताया नहीं। तो जलपरी कहती है, मैंने ये सब कुछ उस बॉक्स से सीखा है जो तुमने मुझे कल रात दिया था। तो जुंजे कहता है, तुम लैपटॉप की बात कर रही हो, तुमने लैपटॉप से सीखा है बोलना? फिर यहाँ पर वह सीन दिखाया जाता है जिसमें जलपरी लैपटॉप को अपने सिर पर रखे हुए होती है और दिखाया जाता है कि वह सारी लैंग्वेज नॉलेज अपने माइंड में ट्रांसफ़र कर रही होती है। जलपरी जुंजे से कहती है कि तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर है और जलपरी जुंजे की आंखों में देखने लगती है। तो जुंजे भी उसकी तरफ देखने लगता है और उससे कहता है कि हाँ, मुझे पता है मेरी आंखें और मैं बहुत हैंडसम हूँ। जलपरी वहाँ पर जुंजे से पूछती है कि वाइफ का मतलब क्या होता है। तो वहाँ पर जुंजे कह देता है, वाइफ का मतलब एक फ्रेंड होता है। फिर वह दोनों वापस अंदर चर्च में जाते हैं और अपने फ्रेंड से मिलते हैं। तो उसका फ्रेंड कहता है कि यहाँ पर एक फंक्शन हो रहा है, तो जहाँ पर तुम्हें एक अच्छा सा प्यारा सा गाना गाना होगा। इस पर जुंजे कहता है, ठीक है, मैं गाना गाऊँगा। तो वहाँ पर फिर दिखाया जाता है कि जुंजे एक गाना गाता है जिसे सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। दिखाया जाता है जुंजे और जलपरी एक फादर के साथ होती है। तो जलपरी कहती है, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। तो जुंजे कहता है, वहाँ पर पानी रखा है, तुम जाकर पी सकती हो। तो जलपरी वहाँ पर पानी पीने चली जाती है। तभी फादर उससे कहता है कि तुम्हारी वाइफ ठीक हो रही है और वो ठीक हो जाएगी। तो तभी दिखाया जाता है कि जलपरी पूरा का पूरा पानी का जग उठाती है और उसी से पानी पीना शुरू कर देती है। जुंजे ये देखता है और हंसने लग जाता है। फिर आगे रूम में दिखाया जाता है कि जलपरी और जुंजे दोनों लेटे हुए होते हैं। तो परी उससे पूछती है कि प्यार क्या होता है। तो जुंजे कहता है, प्यार बहुत ही डेंजरस होता है और अच्छा होगा कि तुम तो बिल्कुल ही ना करो। इस पर जलपरी पूछती है, क्यों? इस सवाल पर जुंजे उससे कहता है, सोचो अगर तुम किसी से प्यार करती हो तो तुम सरेंडर कर देती हो, तुम सौंप देती हो अपने आप को सामने वाले पर, जिससे कि तुम हार जाती हो। जिसका मतलब तुम सामने वाले पर अपने आप से भी ज़्यादा भरोसा कर रही होती हो, जिससे तुम अपने आप को ही खतरे में डाल रही होती है। वह जो भी बोलता है तुम उस पर विश्वास करने लगती हो। जुंजे ये सब बातें कह ही रहा होता है कि तभी बीच में एकदम से जलपरी उसे कहती है, आई लव यू। तो जुंजे कहता है, मैं तुम्हें अभी समझा तो रहा हूँ कि किसी से प्यार नहीं करना। इतने में ही जुंजे से जलपरी कहती है कि मुझे भूख लगी है और मुझे खाना खाना है। तो जुंजे और जलपरी दोनों ही खाना खाने के लिए चल देते हैं। खाना खाते समय जुंजे सोचता है, क्यों ना जलपरी को भी हिप्नोटाइज किया जाए। लंबी सांस लो और अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो। जुंजे अपना लाइटर निकालता है और जलपरी की तरफ कर देता है। तभी जलपरी पूछती है, पेरेंट्स मतलब? तो जुंजे उससे कहता है, पेरेंट्स जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हारे माँ बाप। तो जलपरी कहती है, मेरे तो है नहीं। तो वह जुंजे से पूछती है, क्या तुम्हारे है? जुंजे कहता है, पापा है जो ना के बराबर है, काश माँ होती, इसीलिए मैं जा रहा हूँ एंड ऑफ द वर्ल्ड। यह एक जगह का नाम है। और जुंजे उससे पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? इस पर जलपरी कहती है, मेरा कोई नाम नहीं है। तो जुंजे कहता है, अब तो मुझे हैरानी भी नहीं होती क्योंकि तुम्हारी हर चीज़ ही अजीब है। इस पर जुंजे से जलपरी कहती है, अगर मैं अजीब नहीं होती और मेरा कोई नाम होता तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा रह पाती ना।
जलपरी की बात सुनकर जुंजे उससे कहता है, ऐसा नहीं है, तुम इतनी भी अजीब नहीं हो। इस दुनिया में बहुत सी चीज़ें हैं जो तुमसे भी ज़्यादा अजीब है। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मैं ही अजीब हूँ, मेरी लाइफ ही सबसे ज़्यादा अजीब है, तुम मुझे ही देख लो। इस पर जलपरी कहती है, नहीं तुम अजीब नहीं हो, तुम बहुत अच्छे हो। जुंजे को यह बात सुनकर हैरानी होती है क्योंकि उसे कई सारे कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं कि तुम हैंडसम हो, क्यूट हो, लेकिन यह उसने पहली बार सुना था और यह भी उस लड़की से सुनना जिसके साथ दोस्ती उसने सिर्फ उसके कीमती कड़े के लिए की है। तभी जलपरी उससे कहती है, तुम कई बार मुझे छोड़कर जा सकते थे लेकिन तुम नहीं गए और तुमने मेरे हाथ को थामा रखा, इसलिए तुम एक अच्छे इंसान हो। फिर आगे दिखाया जाता है कि रूम में जलपरी सोई रहती है। जुंजे उसके पास आता है और उसका ब्रेसलेट उसके हाथ में वापस डाल देता है और उसके पास बैठकर कहता है कि ये पहली बार है कि मैंने किसी से कुछ चुराया है और मैं उस चीज़ को उसे वापस लौटा रहा हूँ। चलो हम दोनों साथ चलते हैं एंड ऑफ द वर्ल्ड। वहीं दूसरी तरफ गुंडों को जुंजे के सामान में एक मैप मिलता है जिससे उन्हें पता चल जाता है कि जुंजे एंड ऑफ द वर्ल्ड वाले प्लेस पे जाने वाला है और वह लोग भी वहाँ के लिए रवाना हो जाते हैं। वहीं दिखाया जाता है कि जुंजे और जलपरी एंड ऑफ द वर्ल्ड प्लेस के लिए निकल जाते हैं और वह दोनों कार में होते हैं। तभी भी जुंजे के पास उसके फ्रेंड का फ़ोन आता है। जुंजे उससे बात करता है और कहता है, चलो सोल में मिलते हैं। तो इस पर जलपरी उससे पूछती है, सियोल क्या है? तो जुंजे कहता है, तुम्हें नहीं पता सियोल क्या है? तो जुंजे उससे कहता है, सियोल वह जगह है जहाँ पर मैं रहता हूँ और वहाँ पर मेरा घर है। आगे दिखाया जाता है कि वह दोनों एंड ऑफ द वर्ल्ड वाली जगह पर पहुँच जाते हैं। जुंजे जलपरी से कहता है कि यह जगह बहुत फेमस है, कहा जाता है कि जो लोग यहाँ पर बिछड़ते हैं वह दोबारा जरूर मिलते हैं। जुंजे अपने पास्ट को याद करता है जहाँ पर दिखाया जाता है कि वह लास्ट टाइम अपनी माँ के साथ था यहाँ पर और यहाँ पर ही वह अपनी माँ से बिछड़ा था, लेकिन वह अब तक अपनी माँ से दोबारा नहीं मिला है, तो इसलिए वह अब इस कहानी पर विश्वास नहीं करता। फिर वह एक पत्थर पर लिखा हुआ अपना नाम दिखाता है और कहता है, हूँ जुंजे, यह मेरा असली नाम है और तुम पहले शख्स हो जिसे मैं अपना नाम बता रहा हूँ। यहाँ पर मैंने अपना नाम लिखा था जब मैं अपनी माँ के साथ यहाँ पर आया था। वह जलपरी से कहता है कि तुम बहुत लकी हो क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं जिन्हें मेरे असली नाम के बारे में पता है। और वह उससे कहता है कि मैं अपनी माँ से नाराज़ हूँ क्योंकि मेरी माँ मुझे बिना गुड बाय बोले यहाँ से चली गई थी। तभी जलपरी जुंजे को दिखाती है, देखो यहाँ पर भी तुम्हारा नाम लिखा है। तो जुंजे देखता है वहाँ पर एक मैसेज लिखा होता है जो उसकी माँ ने लिखा था। वहाँ पर लिखा होता है, जुंजे आई लव यू। यह मैसेज देख के जुंजे जलपरी से कहता है, माँ ने मुझे गुड बाय बोला था। तो इस पर जुंजे से जलपरी कहती है, क्या उन्होंने सरेंडर कर दिया था, क्या वो भी हार गई थी? यह सुनकर जुंजे उसे देखता है और बस हंसता रहता है। तभी वहाँ पर गुंडे आ जाते हैं। वह दोनों गुंडे को देखकर भागने लग जाते हैं और वह दोनों पहाड़ी के किनारे पर पहुंच जाते हैं। गुंडे उनसे कहते हैं, अब तुम बच के कहाँ जाओगे? तो जुंजे कहता है, ठीक है मैं सरेंडर करता हूँ, लेकिन इस लड़की को जाने दो क्योंकि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। और वह जलपरी को वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन जलपरी कहती है, नहीं मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। इस पर गुंडों को गुस्सा आ जाता है कि वह उनसे झूठ बोल रहा है और अपनी वाइफ को बचाने की कोशिश कर रहा है। जुंजे उन गुंडे से कहता है, नहीं ये मेरी वाइफ नहीं है, मैंने इसका ब्रेसलेट चुराया था इसलिए ये लड़की मेरे पीछे पड़ी है, मैंने इसे इसका ब्रेसलेट लौटा दिया है और अब तुम यहाँ से जाओ। लेकिन जलपरी उसकी एक बात भी नहीं सुनती और वह समुद्र की तरफ देखती रहती है इस पर जुंजे उसे कहता है, तुम पागल हो क्या, कूदने के बारे में सोच रही हो? ऐसा मत करना, अगर कूदी तो मारे जाएंगे हम। जलपरी उसकी नहीं सुनती और उसका हाथ पकड़ती है और पानी में छलांग लगा देती है। फिर दिखाया जाता है कि पानी में जाने के बाद जलपरी अपने असली रूप में आ जाती है। जुंजे उसे देखकर हैरान होता है। जलपरी जुंजे के पास आती है और उसे किस करती है। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। गाइस आगे कहानी में क्या होता है यह जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। बाय बाय।